जहां तहसील शाहबाद के ग्राम खंडेली का रहने वाला अरविंद कुमार पुत्र शियाराम ने एसएसपी से शिकायत करते हुए बताया कि उसकी पत्नी मधुबाला 2 माह के गर्भ से थी, जब उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। 1 मई को गांव में ही क्लिनिक चला रही डॉक्टर जगवती पत्नी सत्यभान निवासी खंडेली, जो अपना क्लिनिक खुर्द नवाबपुरा में चलाती है, उससे राय लेने के लिए फोन किया तो उसने अपने क्लिनिक पर बुला लिया। जांच करने के बाद बच्चे को कमजोर बताते हुए पत्नी को भी खतरे की बात कही, जिसके बाद पत्नी को अंदर ले गई, उसका ऑपरेशन कर गर्भपात कर दिया, साथ ही अंतर की आंतें भी काट दी। खुद को बचाने के चक्कर में तुरंत पीड़ित को मुरादाबाद ले गई और एक अस्पताल में भर्ती करा दिया। तब उसने आश्वासन दिया था कि सारा खर्चा वही करेगी, परंतु अभी तक ना तो अस्पताल पहुंची है और उसने अपना फोन नंबर भी बंद किया हुआ है। पीड़ित ने बताया कि अभी तक अपनी पत्नी पर करीब 1.5 लाख रुपया खर्च कर चुका है। पीड़ित ने थाना सिरौली में 24 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसी डॉक्टर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग एसएसपी से की है। डीएम साहब का भी कोई जवाब नहीं मिला, एसपी साहब का, डीएम साहब को भी दिया है, सीएम साहब को भी दिया है, सभी। मुझको ये समझ नहीं आ रही है कि ये बड़े अधिकारी मेरे से यही जवाब कर रहे हैं कि उसके पास गए क्यों, लेकिन ये लोग दुकान खोले क्यों बैठे हैं। अब मैं गरीब आदमी, मैं एकदम MBBS डॉक्टर के पास है, बड़े अस्पताल में जा सकता हूँ मैं गरीब आदमी, ये दुकान बंद। कितना खर्चा आ गया अब तक मेरा? 2-2.5 लाख रुपया खर्चा आ गया अब तक। अब आप क्या चाह रहे हो? मैं कार्रवाई चाह रहे हैं इनके खिलाफ। मेरा तो घर बर्बाद हो गया, मेरी घरवारी मतलब अब जान से बिल्कुल बेकार है और अगले बच्चे भी ना होने। कहाँ रहते हो? मैं गांव खंडेली है मेरा। थाना मेरा शाहबाद है, जिला रामपुर है। तो यहाँ शिकायत करने आया? मैं शिकायत करने आया हूँ, कार्रवाई चाहता हूँ मैं इनके खिलाफ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।